एक मशहूर कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दे वो आपके शब्द बन जाते हैं, अपनी शब्दों पर ध्यान दे वो आपके कर्म बन जाते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दे वो आपकी आदत बन जाते हैं, अपनी आदतों पर ध्यान दे वो आपका चरित्र बन जाते हैं। ये सच है, लगातार किए कार्य हमारे दिनचर्या बन जाते हैं, ये दिनचर्या हमारी आदतों में बदल जाते हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हीं को दोहराते रहते हैं। बिल्कुल किसी प्रोग्राम रोबोट की तरह हमें अपने आसपास के खतरों का आभास तक नहीं हो पाता। बस एक घटना ही काफी है हमें झंझोर देने के लिए, अनुभव जो सदा याद रहे। उस लम्हे में आप उन बर्बाद हुए परिवारों के बारे में सोचते हैं और फिर अपने परिवार का भी ख्याल आता है। फिर वक्त के गुजरते उस घटना की यादें धुंधला जाती हैं। वही पुराने कार्य, पुरानी आदतें, पुराने दिनचर्या और वही पुरानी रोबोटिक जिंदगी। और फिर आप सोचने लगते हैं कि और कितनी बार दोहराया जाएगा ताकि हमें एहसास हो कि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। जीवन सुरक्षा के नियम, आदित्य बिरला ग्रुप पल्प एंड फाइबर बिजनेस में एक सुरक्षा भारी संस्कृति के सकारात्मक निर्माण के लिए बनाए गए थे, जिसे कि हमें प्राप्त हो शून्य नुकसान। 10 नियम जो दरअसल एक जीवन रेखा है हमारी सुरक्षा की और सहकर्मियों के लिए। नियमों का पालन करके हम कुछ सालों से सुरक्षा में बहुत सुधार ला पाए और वक्त है कि हम उन्हें दोहराएं। पर सबसे जरूरी बात यह कि इन सभी का सही इस्तेमाल किया जाए, हम जहां भी करें, जब भी करें, जैसे भी करें। सुरक्षित रहने के लिए जरूरत है आपकी निष्ठा, आपकी समझ और आपकी सहयोग की। संगत के हर कर्मचारी को ये जीवन रक्षक नियम पता होना चाहिए और वो ये सुनिश्चित करे कि ये लागू हो और इस बात को पहचाने कि वो कोई भी ऐसा काम रोक सकते हैं जिसमें पूरी सुरक्षा ना हो। हमारे सुरक्षा के नियम हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए और वो दिनचर्या हमारी आदत, हमारा चरित्र। धन्यवाद। रुकिए, अगर आपको कुछ गलत नजर आए हमारे पास प्रक्रिया है जो हमें बताती है क्या कैसे करना है। हमारे पास सुरक्षा नीति है, सुरक्षा सिद्धांत है और रक्षा के लिए स्पष्ट प्रभाषित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। विशेषकर हमारे पास 10 जीवन रक्षा नियम है जो हमारा ध्यान खतरों पर केंद्रित रखते हैं और हमें जोखिम उठाने से रोकते हैं, और सबसे जरूरी वो इस सिस्टम को जोड़े रखते हैं ताकि हर कोई पूरी समझदारी से सुरक्षित होकर काम करे। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद का हो या किसी भी विभाग का, उसे सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है अगर उसको कुछ गलत लगता हो कि वो कोई भी काम रोक दे। हम खुद इन नियमों का पालन करें, अपने जूनियर्स को और व्यापार सहयोगियों को भी बताएं। याद रहे, हमें इसी की मांग करनी होगी कि सुरक्षा नियमों का कड़ा पालन हो और वो हमारे दिमाग में घर कर लें। हम इन जीवन रक्षक नियमों को अपने विचारों, कर्मों, शब्दों, आदतों और अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं। जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर आप जाने कि स्कूल बस के पहियों में से एक नट बोल्ट ढीला है। उस स्कूल बस के ड्राइवर को इस बात पर भरोसा है कि वो कई चक्कर लगा चुका है तो फिर सब ठीक ही होगा और उसे कोई चिंता नहीं कि आपके बच्चे सुरक्षित स्कूल जा रहे हैं या नहीं। क्या आप अपने बच्चों को उस बस में चढ़ने देंगे? इसलिए सख्त निरीक्षण और जोखिम वाले व्यवहारों को समय पर हस्ताक्षेप करना
महत्वपूर्ण है जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमें लापरवाही, थकान, ध्यान भटकना, अति उत्साह और जल्दबाजी जैसे जोखिम वाले व्यवहारों से बचने की बहुत आवश्यकता है। हमें सुनिश्चित करना है कि हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे, किसी को चोट ना लगे आज और ना कभी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदित्य बिरला ग्रुप फैमिली का हिस्सा है और हम आपकी परवाह करते हैं।